अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा मशहूर ज़माना YouTube चैनल फ्रीडम न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीडम न्यूज़ की कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ मवाक़े पर मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से, मुख्तलिफ़ शोबों से शख्सियात जो ताल्लुक़ रखती हैं उनके हवाले से कुछ ना कुछ हम पेश करते रहें। तो फ्रीडम न्यूज़ इस बार आपके लिए एक और ख़ास चीज़ लाया है, और वो है एक ऐसा मौसम जो याद का मौसम है, और हम याद कर रहे हैं एक शायर बेबदल को जिसे दुनिया अहमद फराज़ कहती है। तो आज अहमद फराज़ की शख्सियत, उनकी शायरी में पिन्हा एहसासात को बयान करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस दुनिया का दर वाह करते हैं। मेरा लहू रायगा नहीं था जो मेरे दीवारों दर से टपका, तो शाहराहों तक आ गया है जहां किसी को गुमा नहीं था। मेरा लहू रायगा नहीं था। अहमद फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था। वो 12 जनवरी 1931 में पैदा हुए। शायरी का फन वरासत में वालिद से मिला। अहमद फराज ने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब में एमए किया, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनके अदबी ज़ौक की आबियारी किस तरह हो रही थी। एक तरफ तो वो अपनी मादरी ज़ुबान पश्तो के अदब से वाकफियत हासिल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें उर्दू शेर व अदब से शनासाई हुई। फारसी और अंग्रेज़ी ने उनके ज़ौक में चमक बढ़ा दी। इस तरह ये चार ज़बानों से आरास्ता होकर अपनी मुनफरद शेरी सिमत तलाश करने में महव हो चले। मैं के दो रोज का मेहमान तेरे शहर में था, अब चला हूं तो कोई फैसला कर भी न सकूं। जिंदगी की ये घड़ी टूटता पुल हो जैसे, कि ठहर भी न सकूं और गुजर भी न सकूं। इब्तदाई तौर पर उनकी वाबस्तगी रेडियो पाकिस्तान पिशावर मरकज से हुई। उसके बाद वो जामिया पिशावर से जुड़े और फिर पाकिस्तान नेशनल सेंटर पिशावर के रेजिडेंट डायरेक्टर हुए। और मज़ीद जब ये सफ़र आगे बढ़ा तो अकादमी अदबियात इस्लामाबाद के अव्वलीन डायरेक्टर जनरल हुए, और उसके बाद लोक विरसा और नेशनल बुक फाउंडेशन जैसे इदारों के सरबराह के तौर पर भी फाइज रहे। उर्दू दुनिया का मंच हो या पंडाल में बैठे सामईन और हाजरीन, जिंदगी भर उनके शेरी लुत्फ का उन पर असर रहा। मुबालगे ही सही, सब कहानियां ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। गायकी की दुनिया में भी उनकी शायरी को बामे उनके कलाम को खोल कर बयान किया कि रंजिश ही सही, रंजिश ही सही। अहमद फराज के 14 मजमूआ हाय कलाम हैं। उनके नाम कुछ यूं हैं: तन्हा तन्हा, दर्द आशोब, नायाफ्त, शब खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, जाना जाना, बे आवाज गली कूचों में, नबीना शहर में आईना, सब आवाज़ें मेरी हैं, पस अंदाज मौसम, बुदलक, गज़ल बहाना करूं और ए इश्के जुनू पेशा शामिल हैं। उनके कलाम की कुल्लियात भी शहर सुखन आरास्ता के उन्वान से शाया हुई, जिसके 1500 से जायद सफहात पर अहमद फराज के एहसासात की कहकशां को यकजा कर दिया गया। माजी में अहमद नदीम कासमी ने तहरीरी तौर पर अहमद फराज के रोशन शेरी मुस्तकबिल की जमानत दी, जिसको अब गुजरता हुआ वक्त साबित कर रहा है कि वो एक बड़े शायर हैं। उन्होंने लिखा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आज हम दार पे खेचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। अहमद फराज की शायरी में जिंदगी बोलती है, क्योंकि वो अपनी जात में एक
जिंदा शख्स थे। उन्होंने कमाले महारत से अपनी जात के दोनों गोशों को मतवाजन रखते हुए जिंदगी गुजारी। वो सिर्फ नाम के ही फराज नहीं थे, बल्कि अपनी आजमाइशों के कई नशेब तय करके सरफराज हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रीडम न्यूज़ की ये पेशकश पसंद आई होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मुल्क के, अपनी कौमी ज़बान के बड़े लोगों को पेश करें, उनको याद करें। अगर वो हम में नहीं भी हैं, तब भी वो हम में हैं। उनकी चीज़ें, उनके कलाम, उनका फ़न उन्हें याद करने का बहाना बनता है। आज हमने शेरी उफक पर अहमद फराज को याद किया। आज का दिन उनकी ज़िंदगी, उनके काम के हवाले से अहम दिन है, तो सोचा कि आपको इस याद में शामिल किया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी यह अदना सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल फ्रीडम न्यूज़ को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, इस वीडियो को पसंद कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस पैगाम मोहब्बत को दूर तक फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोहब्बत में जिस कदर बांटा जाए वो ख़जाना उतना ही बढ़ता है। और हम मोहब्बत की ज़बान, मोहब्बत का कलाम लेकर हाजिर हुए हैं। इसकी एक झलक, इसकी एक अकासी ये प्रोग्राम था, इस उम्मीद के साथ कि जल्द किसी और ऐसी ही रोमानवी और उम्दा और तहजीबी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। खुर्रम सुहेल को फ्रीडम न्यूज़ के इस खसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।